अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हैं तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव आज पहुंचे कोर्ट। जी हां, कोर्ट पहुंचे अभिनेता खेसारी लाल यादव। अब फोटोज देखिए जहां पर खेसारी लाल यादव के साथ एक और नई अभिनेत्री कोर्ट में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार इस फोटो को वायरल किया जा रहा है। कई लोग तो सच भी मान चुके कि खेसारी लाल यादव सचमुच अदालत पहुंच गए किसी केस को लेकर, पर ऐसा नहीं है। ये रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म जिसके काफी दिनों से चर्चा थी, फिल्म का नाम है मेरी जंग। उस फिल्म का मुहूर्त तो हो चुका था लेकिन शूटिंग अभी बाकी थी। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और पहले ही सीन में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नवा लुक हमें देखने को मिला और खेसारी लाल यादव कोर्ट वाला सीन शूट किया गया, जहां पर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट जाते हैं और वहां पर उनकी हीरोइन भी मौजूद रहती है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का ये जबरदस्त लुक देख के हमें काफी मजा आ रहा है। मेरी जंग फिल्म की बात की जाए तो ये काफी बेहतरीन फिल्म होने वाली है और मेरी जंग फिल्म की तरफ आया जाए तो इसमें पहला ही सीन काफी जबरदस्त शूट किया गया है और अदालत में खेसारी लाल यादव अपना इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव के रोल की बात की जाए तो भूला भाला खेसारी लाल यादव इस फिल्म में देखेगा, लेकिन शानदार उसका एक्शन भी हमें अंतिम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ साइन की गई है पलक तिवारी, जो खेसारी लाल यादव का साथ दे दी नजर आएंगी। खेसारी लाल यादव की ये काफी बेहतरीन और काफी बड़ी फिल्म है जिसको लेकर फैंस भी एक्साइटेड है और खेसारी लाल यादव खुद भी एक्साइटेड है, क्योंकि खेसारी लाल यादव इस फिल्म में एक नए लुक में नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के निर्माता मनोज कुमार चौधरी हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आएंगे राजू। ये फिल्म काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाली। इस फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन का सिक्का खूब चलता नजर आता है। रवि किशन एक लौते ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्में पहले बॉक्स ऑफिस पर बड़ी मात्रा में कलेक्शन करती थी। भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत ही रवि किशन द्वारा हुई थी। रवि किशन ने अपनी प्रोडक्शन से एक फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था सन की दरोगा, जिस फिल्म में रवि किशन के अपोजिट थी अंजना सिंह। आपको बता दें, रवि किशन के साथ अंजना सिंह की जोड़ी वाकई पॉपुलर है और रवि किशन ने अपने ही प्रोडक्शन कंपनी से सन की दरोगा फिल्म बनाई थी, जो कि एक सच्ची कहानी से प्रेरित है। ये हमें पोस्टर में साफ साफ दिखाई दे रहा है और इसका एक फर्स्ट लुक भी जारी किया गया जो काफी अल्टीमेट लग रहा है, जिसमें रवि किशन के साथ अंजना सिंह नजर आ रही हैं। आपको बता दें, इसके सभी गाने आपको जी म्यूजिक कंपनी पर सुनने को मिलेंगे। जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो हमने आपको रिव्यू भी दिया था, जहां पर हमने आपको बताया था रवि किशन एक ऐसा सन की दरोगा होता है जिसे रेप और अपराध से सख्त नफरत होता है। वो देश को क्लीन कर देना चाहता है उन लोगों से जो रेप और गुंडागर्दी के बारे में सोचते हैं। सन की दरोगा यानी एक दरोगा पगला जाता है इन सब बातों को सुनने के पश्चात कि हमारे देश की हालत कुछ इस तरीके से। ये फिल्म वाकई मजेदार फिल्म होगी और इसका फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है जो वाकई अल्टीमेट लग रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सैफ किदवाई। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन करने में कामयाब रहती है। इस फिल्म को लेकर आप क्या सोचते हो हमें बताएं। आपको रवि किशन का ये फर्स्ट लुक कैसा लगा बताना ना भूले। खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा जानी का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी थी, जिसे 6 तारीख को यानी 6 जुलाई को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड फिल्म राजा जानी के रिलीज डेट को एक हफ्ता पोस्टपोन कर दिया गया। जी हां, इस फिल्म को 6 जुलाई को नहीं 13 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। जी हां, खेसारी लाल यादव के साथ प्रीति विश्वास की जोड़ी वाकई काबिले तारीफ है। खेसारी लाल यादव का जबरदस्त एक्शन इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा और अब हमें इस फिल्म के लिए एक हफ्ता पूरा इंतजार करना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव की ये जबरदस्त फिल्म को देखकर हमें काफी मजा आने वाला है। खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और प्रीति विश्वास का जबरदस्त हॉट लुक हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये छोटी सी खबर हम आपको अपडेट दे रहे हैं, एक हफ्ते बाद आप खेसारी की इस फिल्म को देख पाएंगे।
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह की एक फिल्म 2017 में आई थी। फिल्म का नाम था सत्या, जिसमें हमें साउथ फिल्मों की तरह एक्शन देखने को मिला। वो फिल्म वाकई मजेदार थी और खासकर अक्षरा सिंह के साथ जब पवन आए तो सिनेमा घरों में सीटियां जबरदस्त बजती नजर आती थी। और इस बार अभिनेता पवन सिंह के सत्या फिल्म का डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है सत्या 2। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बीरू ठाकुर लिखेंगे, वहीं पर इस फिल्म का डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह होंगे। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन अबू धाबी बताई जा रही। इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी, इस बात का भी जवाब मिल गया। जी हाँ, आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी अक्टूबर के महीने और इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन अबू धाबी में कम्प्लीट की जाएगी। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म होगी जिसमें सभी लोकेशन अबू धाबी की होगी। अब देखते हैं कितनी लोकेशन आखिर अबू धाबी में शूट की जाती है। इस फिल्म की लीड एक्टर कौन होंगी, अक्षरा सिंह तो फिलहाल हमें नजर नहीं आ सकती। अब देखते हैं कौन अभिनेत्री इस फिल्म में कास्ट करती नजर आएंगी। हाल ही में अक्षरा सिंह फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, पवन सिंह ने मुझे अपनी सभी फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बीच अक्षरा सिंह अपनी आने वाली फिल्म राजा राजकुमार की शूटिंग रितेश पांडे के साथ कर रही थी और बताया जा रहा है अब तक उस फिल्म की शूटिंग भी तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है। लेकिन हाल ही में जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, हाल ही में जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। पहले आप लोग ये फोटोज देखिए, जिस फोटो में जी न्यूज द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई और बताया गया है पवन सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को नसीहत अक्षरा सिंह के साथ फिल्म को लेकर मचा हंगामा। और नीचे जी न्यूज ने बताया, हाल ही में खेसारी लाल यादव के साथ योगेश मिश्रा दबंग सरकार फिल्म को डायरेक्ट करते नजर आए। उसके बाद योगेश राज मिश्रा को एक और फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला। फिल्म का नाम है बबुआ बवाली, जिसमें खेसारी लाल यादव के अपोजिट अक्षरा सिंह को कास्ट किया गया। जी हाँ, अभिनेता पवन नहीं खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह नजर आने वाली थी। लेकिन जी न्यूज ने खुलासा किया कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को नसीहत दी कि तुम ये फिल्म छोड़ दो। हालांकि खेसारी लाल यादव का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। जब इस बात से योगेश राज मिश्रा से बात की गई तो योगेश राज मिश्रा ने ये बात सिरे से ही खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पहले अक्षरा सिंह को कास्ट किया गया था तो ये हो नहीं सकता, अक्षरा सिंह से हम इस फिल्म को बाहर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा खेसारी लाल यादव के साथ पहले अक्षरा की जोड़ी काफी पॉपुलर थी, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस फिल्म में अक्षरा सिंह तो होगी ही होगी। हालांकि खेसारी लाल यादव ने इस बात पे कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि बबुआ बयाली में खेसारी लाल होंगे या फिर नहीं। अब ये तो बात योगेश राज मिश्रा ही जाने कि खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह को कास्ट करेंगे बबुआ बवाली में या फिर नहीं। आप क्या चाहते हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए, क्या खेसारी के साथ आप अक्षरा सिंह को देखना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग जानते हो, लालू यादव, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव फिलहाल मुंबई में अपना इलाज करा रहे हैं। मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हुए लालू यादव से मिलने के लिए बहुत से लोग आए। लेकिन इस बीच सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी लालू यादव से उनका हाल पता लेने पहुंचे। आपको बता दें, फोटोज देखिए जहां पर लालू यादव के साथ खेसारी लाल यादव नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल में बेड पर बैठे। खेसारी लाल यादव के साथ सोनू पांडे भी गए हुए, वहां पर दोनों ही फोटो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें, खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इतना बताया जा रहा है खेसारी लाल यादव आरजेडी का प्रचार जरूर करते नजर आ सकते हैं। क्या लालू यादव की पार्टी से खेसारी लाल यादव को टिकट मिलेगी या नहीं, इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है, खेसारी लाल यादव उनका हाल पता लेने के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में जा पहुंचे, वहां से लगातार फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खेसारी लाल यादव की जबरदस्त फोटो को लेकर आप क्या सोचते हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और रितेश पांडे, ये चार बेहतरीन भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार आखिर बिहार की लड़कियां सबसे ज्यादा किसे पसंद करती हैं। हम आपको बताने वाले हैं इन सुपरस्टारों को किस वजह से कौन कौन पसंद करता है। सबसे पहले नंबर वन अभिनेता पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह को बिहार उत्तर प्रदेश की लड़कियां खूब पसंद करते हैं, क्योंकि अभिनेता पवन सिंह का एक्टिंग में दम है। वहीं पर अभिनेता पवन सिंह के बहुत अल्टीमेट, उन्हें दर्शक खूब पसंद करते। वहीं पर बिहार की लड़कियां पवन सिंह की खूब दीवानी हैं। पवन सिंह को बिहार की लड़कियां बहुत पसंद करते, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में सलमान खान का सिक्का चलता है। खेसारी लाल यादव की बात करें तो उन्होंने गरीबी देखी है, गरीबी से अमीर तक गए हैं। तो इनके सफर को देखते हुए जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो खेसारी लाल यादव के फैन हैं। खेसारी लाल यादव को वो लोग खूब पसंद करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में 22 करोड़
अभिनेता जो सिंगिंग लाइन में स्ट्रगल करती है वो खेसारी को खूब पसंद करती है। हालांकि बहुत सी लड़कियां खेसारी की दीवानी भी हैं। तीसरे नंबर पर है दिनेश लाल यादव निरवाजी। हाँ, जो नाम नहीं बल्कि काम के कारण जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में ऐसा कुछ होता है जिसे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। चौथे नंबर पर है रितेश पांडे जी। हाँ, दर्द भरो गाने का बाप। यहाँ उन्हें हम भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्द भरे गाने का बाप कहें तो अच्छा लगेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियां इन्हें भी बहुत पसंद करती हैं क्योंकि इनके गानों में इनकी मधुर आवाज में वो है जो किसी में नहीं है। रितेश पांडे की अगर हम बात करें, रितेश पांडे को दर्शक खूब पसंद करते हैं। खासकर बिहार की लड़कियां भी उन्हें बहुत पसंद करती हैं क्योंकि उनका गाना काफी अल्टीमेट होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री की ये चार बड़े सुपरस्टार हमने आपको बताए, इन बड़े सुपरस्टारों को इसलिए पसंद करते हैं। इस रिपोर्ट में आप किसकी तरफ हो हमें बताएं कमेंट सेक्शन के जरिए। 1992 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बैरी कंगना, जिस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। और फाइनली भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेता रवि किशन, काजल राघवानी, शुभ शर्मा ने एक और नया प्रोजेक्ट साइन किया था। फिल्म का नाम था बैरी कंगना 2। आपको बता दें इस फिल्म में रवि किशन के साथ काजल की जोड़ी वाकई काबिले तारीफ होगी। ये फिल्म काफी बड़ी और काफी अल्टीमेट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। जी हाँ, रवि किशन ने खुद ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को 6 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि रवि किशन के साथ रिलीज होंगे खेसारी लाल यादव की मेरी जंग। पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी खेसारी लाल यादव की राजा जानी के साथ बैरी कंगना 2 रिलीज होगी, लेकिन खेसारी लाल यादव की टीम ने अपनी फिल्म राजा जानी को एक हफ्ता रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी और बैरी कंगना बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए 6 जुलाई को आ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले रवि किशन की ये फिल्म वाकई मजेदार है और आप लोग 6 तारीख को सिनेमाघरों में फिल्म जाकर जरूर देखें। बहुत ही साफ सुथरी और काफी अल्टीमेट फिल्म ये है। अब देखते हैं काजल राघवानी के साथ रवि किशन की जोड़ी दर्शकों को कितनी ज्यादा पसंद आती है।